वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। महंगाई की शरह में 38% तक इजाफा हो चुका है, और जब महंगाई की शरह में इजाफा होता है तो क्राइम्स का भी इंक्रीमेंट लग जाता है। वैसे कानून के हाथ लंबे तो होते ही हैं, लेकिन अगर सामने कोई मस्कीन हो तो कानून की जुबान भी लंबी हो जाती है। आइए चल के देखते हैं थाने में। मेहरबानी सर, दो मिनट दें दे, मैं जरा मोहतरम ना गल कर लूंगा। हाँ हाँ कर ले बात, किसी गरीब को फिर पकड़ा होगा आपने। इस गरीब ने किया क्या है आपको पता है? कुछ छोटा मोटा जुर्म किया होगा, और क्या किया होगा। एटीएम के अंदर सोंदा है और अंदरों लॉक कर लेता है। होमलेस होगा ना, अंदरों कुंडी ला लेना। वीना जी, किसी बंदे ने टेंशन में पैसे कढ़ाने होंगे ने। मैडम, अगर मैं एटीएम के अंदर सोना तो मेरा हक है, मैं टैक्स नहीं दिता हुकूमत नू। नाले मैं एटीएम दे अंदर अगर सौ भी जाना तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। हेलो, अलका नशियां दानश्वर भी है। वैसे एसएचओ साहब, आपके थाने में आज कोई लेडी कांस्टेबल नजर नहीं आ रही। अच्छा, तू एटा मिस कर रही, तू आप आ जा। माशाल्लाह एडी तगड़ी पुलिस वाली होवे, ओए होए होए, ईमान नाल मुजरम दी वखी च एक सोने ने मारया होवे ना, तू यकीन जानो ओदियां 8 पसलियां तोड़ देवे। अच्छा बताए ना कि क्राइम्स की क्या सूरत हाल चल रही है, को काबू पाया है? क्राइम जो है ना वीना जी, इस टाइम हथों निकल गया है। हर बंदा जरा ना वो चाहता है कि मैं किसी लुट लवा, किसी फ्रॉड कर लव, किसी को फायदा ले लव, वेख लोना। सिर्फ नींद ही तो पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जालिम समाज को बर्दाश्त ही नहीं। आज तेन मेरे ख्याल राइटर की बड़ी सपोर्ट हैगी है। वैसे कैसी कैसी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, पूरी नहीं होती। आप न्यूजीलैंड बनाने चले थे, अभी अफसोस करें कि क्राइम्स हाथ से निकल चुके हैं। मैं तो चाहता सी न्यूजीलैंड बने, ये बांग्लादेश बन गया जे। कौन है जी? सर मैं यहाँ आ रहा था, ये आपस में लड़ रहे थे। की मसला भाई? देखिए सचो साहब, बात ये है कि इसने मगरमच्छ पाला है जो कि गैर कानूनी है, जिसका लाइसेंस भी नहीं है, जो लोगों को छक भी काट सकता है और उससे जेर पेल सकता है। नहीं तो क्यों पता लगा कि इधर घर मगरमच्छ है? असल में ये मेरा पड़ोसी है, या ये केले में इसका पड़ोसी हूँ। मेरे घर पे एक बेल बजी, टंग, मैंने देखा ये कौन है, इस पे हर कौन आ सकता है, मेरा तो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है। जिड़ा इस बेल से आंदा होवे आना। मैंने उसके बाद दरवाजा खोला, फिर मैंने देखा इधर पार्सल। अच्छा, तुसी मेरे ख्याल खुले मैदान च रहंदे हो। नहीं नहीं, तुसी फर्जी चीजां बनाई, हर चीज बेल भी तुहाडी आपे बजाउंदे हो। दरवाजा भी तुसी नहीं बणिया, तुसी आपे ही खोलदे हो। अगो पार्सल भी तुसी अपने सामने रखिया होया है। पार्सल चुके तुसी कहंदे किसका होगा, तेरा तो वही हिसाब है कि मैं आप हूं अपना जायचा, मैं आप सितारा हूं। वाह 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 वाह, क्या कहते, आपके पास तो ज़ौक भी है। फील द डिफरेंस। अच्छा जी, फिर क्या होया? फिर ये हुआ, बस मैंने देखा एक पार्सल का डब्बा है, उस पे पर्ची है। मैंने यूं किया, पर्ची हटाया और मैंने पढ़ा। मैंने उसके बाद जनाब देखा, एड्रेस जो है वो तो मेरा नहीं है। हाँ? ये तो मेरा पड़ोसी का है। पड़ोसी? तो फिर पड़ोसी अलग है। मैंने फिर ऐसे चो सब जैसे तैसे डब्बा उठाया और मैं चल पड़ा, टक 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 टक, मैं इसके तरफ जा रहा था। ठीक है, मैंने फिर इसके घर के बेल बजाई, मैंने डब्बा इधर रखा हुआ, मैंने यूं किया। मेरे ख्याल बेल खराब है, लास्ट होंगे चा 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 चा। वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। तेरी मेरी वीडियो वायरल हो जानी है, मेरे दादा देख के आइटमां ते ना ला देना है। मैंने बिल जब खत्म किया, इसका मुलाजिम बाहर आया, उसने कहा जी जनाब किसी मिलना है, कौन हो आप? बड़ा मैंने कहा मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, ये आपका सामान इधर आ गया। एसएचओ साहब एदी गल नवी मैनू सराहना मंगा दे। ओए भाए चुप ओए चुप। अच्छा जी भाई, फिर नौकर ने बोला अच्छा आप आए अंदर बैठे, मैं अंदर चला गया, टक 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 टक, बैठ गया आराम से, उसने चाय लाई, मैंने चाय पिया। अच्छा वैसे कुर्सी की आवाज उज नहीं आई, टक टक दी आई थोड़ी जान दी। सोफा था, सोफा नरम होते है, सोफे ते भी आंदी हुंदी है फड़ास। अच्छा फड़ास भी बैठ गया। जो सोफे पे बैठा ना बंदा, साइडा तो हवावा निकलदियां ने। हां ऐ करके वो जिस सोफे पे आप जैसा बंदा बैठे ना वहां से आती, वो तो बेचारा हल्का फुल्का। अच्छा चलो मैं बैठ गया। क्या इनको मसला क्या आपके साथ, अवॉइड करो। साहब जी वो सोफा मेनू दे दियो, मेनू जमीन पे सोना पेंदा है ताडी मेहर। हाय चुप चुप। ऐसे चो साहब मेरे बायलेटरल पे नजर आए कि एक लंबा सा मुंह है, मैंने जैसे उधर देखा मेरा एक रंगावे एक जावे। ऐसे चो साहब वो मगरमच्छ था। अरे बकवास कर रहे हैं,
ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹਮਸਾਇਆ ਪਾਰਸਲ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੁਕ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋ ਆਪ ਉਧਰ ਉਸ ਮਗਰਮੱਛ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮਗਰਮੱਛ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਪਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਲਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜੁੱਸਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਪਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਥਾ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੈਟਸ ਪਾਲ ਲੇਤੇ ਥੇ ਉਸਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਪਾਲਾ ਥਾ ਔਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੜਾ ਥਾ ਉਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਹਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫਸੀ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਐਡਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਓਏ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਆਓ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਸੂਰ ਉੱਠ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਖਾਨ ਜੀ ਸਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੇਗਾ ਆਪ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੇਂਗੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਿਅਰਸ ਗੱਲ ਬਨ ਗਈ ਚੈਨਲ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਯਾਤ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਯੇ ਤੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਚਓ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਅਭੀ ਤੱਕ ਵੋ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਅਪਰਲਾ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਰਲਾ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਆਪ ਅਲਾਓ ਕਰੇਂਗੇ ਥਾਨੋਂ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ तो ये इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे आपके फैसले ये विना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅਬ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਟਰ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਕੋ ਜੀ ਤੋ ਸਰ ਬਤਾਈਏ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਕੀ ਕੀਆ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜੀ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਪਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਮੱਲੇਦਾਰ ਹੈ इन्हें आगे सारा काम खराब कीता जी नहीं नहीं ये कसूरवार है इस जैसे लोग माशरे में बिगाड़ का सबब है बच्चे ने सलमान खान आओ बेटा तू इधर बैठो आप ही बैठिए मेनू ले जाए तू काट के तू बेफिक्र हो जाओ इनु सजा होएगी इसी चो साहब थैंक यू अल्लाह आपको और भी ओ दे दे अल्लाह खुश रखे थैंक यू सो मच सीधा कर जाइए व्यूअर्स आपने देखा कि कानून उतना बुरा नहीं है जितना इसको समझा जाता है एक आम शहरी ने ये साबित किया कि अवाम एतमाद रखते हैं कानून पर अदरा भाई अदरा की है आज फैसला ना ए थाने ही होएगा ए केड़ा ए जनाब ए जरा मुजरम फड़ लो हां जी ए मुजरम फड़ लो ते ए जड़ी चीज मैं फड़ के लेंदी वो फड़ लो मैं क्या जुर्म किया है ठहर जाओ पहले अपने बच्चों की रोटी तो दे के आन दियो सर जी ए रोटी नहीं ये कूड़ा है ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਧਰ ਓਏ ਕੂੜਾ ਸਾਈਡ ਵੇ ਕਰ ਓਏ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਬੈਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਆਪਕੋ ਛੱਪੜ ਔਰ ਪੂਲ ਮੇਂ ਕੋ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਨ ਮੈਂ ਪੂਲ ਦਾ ਇਫਤਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਇੰਜ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਫੈਰੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜਿਲਦ ਏਡੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿ ਛਿੱਟ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਉਧਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਹੋ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
मैं वेख्या चेक किया मैं शायद कोई चंगी चीज और मैं परेशान हाँ कि एक दिन इन्होंने शॉपर चैज करके मेरे सुटे तो एक गिड़क सी अंब की मैं परेशान हो मैं यार एक अंब सत्तां जीए ने किवें खादा होगा सर जी ये पानी तो डरते ने मैं हूँ इन्होंने दुखो अपना पुल चुक के कितने लै जावा कराची तुम पता लगे ना भी समुद्री तूफान आ रहा ये लाहौर रह रहे सर इतों समान बन के सारा खानदान गिलगित चला गया आप जी मेरे मगरमच्छ दा सौण दा टाइम होया वो भी पानी जी बहिंदा यार ना ना लै यार जगह क्यों सुट दे खानदान सुता है एडी तेरी थ्रो माइकल मार्शल दिया पुत्रा ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਿਕਰਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜਨਾਬ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਗਾਰਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਓਏ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ चलो अंदर बाहर कुंडी ला दे ये कैसा फैसला आपने किया है वो बेचारा मजलूम है उसको भी जेल में डाल दिया जब सीने नहीं लान गए एक दूसरे वो आप गए ने सर जी तुम्हारी मेहरबानी एक कदी डेथ है तो एड़ी खुशकी बाहर काट लो साहब जी हां जी खुशकी नु बाहर काट लो मेरे पियो दी तौबा जे मैं एटीएम मशीन च सोना खुशकी नु बाहर काट लो मैं मगरमच्छ तानू बख्शे खुशकी बाहर कर लो भावे मेरे मगरमच्छ दी तौण ला दे जब तक तुसी उनु सीने ना नहीं लांदे मैं बाहर नहीं करना ओए थिंदे सर जफी तेरी जे पैणी मैं पुलिस नु एलोकेट करना आज तो बाद मेरा जड़ा स्विमिंग पूल है वो मैं पुलिस दा है आज तो बाद खुशकी उते कूड़ा सुटे तुसी बर्दाश्त करो ना करो मेरा उस पूल ना कोई तलक अच्छा भाई साहब मैं पहलो दा गिरफ्तार हां मैं ना हो मेनू इत्थे खलाओ सारे खुशकी नु बाहर कढो सानू खारिश हो जब तक लाश लाफ नहीं लोगे मैं नहीं कढांगा तानू तो मस्तियों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद देवदास मस्तियों में आपको एक मर्तबा फिर वेलकम करते हैं और आज मस्तियों में एक बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट जो है वो हम शुरू करने लगे हैं असल में आपकी जो फीडबैक है वो हमें डायरेक्टली मिलती रहती है सोशल मीडिया के जरिए से और ये आपकी ही सजेशन थी कि हमें अपनी जो स्टूडियो में ऑडियंस मौजूद होती है उसके साथ भी कुछ इंटरेक्शन करना चाहिए तो हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें आज हम अपनी ऑडियंस के साथ लाइव डिस्कशन एंड गपशप करेंगे और देखेंगे कि कितने टैलेंटेड हैं आप लोग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन प्यारे बच्चों आज हम आपको बताएंगे सुई में धागा कैसे पड़ता है इनका वो ड्रामा बहुत पसंद आया था इटली आ जरा रोज ऑडियंस आ लिया करो आपकी येलो टी शर्ट नोटिस होगी इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ऑडियंस रोज आए क्या कहने खींच के बोल दी पता नहीं की गल ओए बदतमीज ना करी आज उदी फैमिली आई सारी तो मेरा ख्याल है देखते हैं कि हमारी ऑडियंस कितनी टैलेंटेड है किन टैलेंटेड होगी जी ओ पीछे भाई ने देखो चिट्टे सिर वाले इंग्लिश फिल्म जो है जब बंदा सुपरमैन का डॉक्टर होता है वो हवा चुड़ रहा है पीछे टीका लगा के हवा चुड़ रहा है अंग्रेज तेन सवार खा रहे हैं देखो आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से इन्होंने माइक चेक किया ना लगता है आपकी पहली परफॉर्मेंस नहीं है यस मैडम कहाँ परफॉर्म करते रहे हैं पहले डिफरेंट टीवी शोज पे फिर कॉन्सर्ट्स पे नो जी सेलिब्रिटी हैं हमारे दरमियान नाम क्या आपका हुज़ैफ़ा अंग्रेज है तो पत्तों की रंदा है क्या परफॉर्म करते हैं सिंगर हूं मैं बेसिकली तो सुनाएं कुछ प्लीज सुना दे हम तेरे पैर ही पे ही आके सिंगर एक गाने तो बाद ही बोतल लग जाती कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना भाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने
जी क्या नाम है आप? जी मेरा नाम नवीदुल हसन और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। उसका उर्दू मैं एक गजल सुनाना चाहता हूँ। उनके अंदाज़े करम पे हो आना दिल का है वो बात तू यह जब मुंडे ने पूछे ना तो लाहौर की मैं वो स्कर्दू में गजल सुना रहा था तो मुझ पे फायरिंग हो गई। मैं एक और गजल सुनाना चाहता हूँ। ठीक है तू सुनाओ, अल्लाह ते देख रहे ना सुनाओ। नियते शो बर न जाए कहीं। वाह वाह बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं भरेगी इसकी नियत। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। तुसी इस तरह करो, रल के मंगया करो। कोई और गजल आती है आपकी? ये मैं आपकी मोहब्बत में नहीं कह रहा, जब तक तुम सही नहीं सुनाओगे मैंने नहीं जाने। लीना मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि यही गाना मिर्जा साहब थोड़ा सा सुना दें। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियत शौक भर न जाए कहीं। अरे वाह वाह, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सरमद असलम है और मैं कॉमर्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और मैं खुद की लिखी हुई एक नज़म सुनाऊंगा। मजा आप शायरी भी करते हैं? जी वाह वाह। शायरी कब से कर रहे हैं आप? शायरी मैं कर रहा हूँ 9th class से। यानी 9th class में आपका दिल टूट गया था? नहीं नहीं, मैं शायरी मजाहिया करता हूँ, दिल टूट गया। हर शायर इसलिए शायर नहीं बनता कि उसका दिल टूटा हो। अब एक शेर है ना कि उम्र लग जाती है ऐसा साथ को जज्बात देने में, फकत दिल टूटने से कोई शायर नहीं बनता। अरे वाह बात, अरे वाह बात। ये शायर रूड़ी फ्रोर ले, क्यों मेरा दीवान गुम हो गया। ये शायर सवेरे उठ कर रो रहा होता है, क्यों? कि पिछले 15 दिन से राहत तंदूरी मेरी ख्वाब में आता और थप्पड़ मार के चला जाता है। नज़म का उन्वान है शादी कर लो। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मैरिड पीपल। मैंने पूछा के शादी शुदा लोगो क्यों हर दम माहे भरते हो, कभी खुशियों पे फूले समाते नहीं, कभी हाय हाय करते हो। बोला एक बीवी वाला के एक काम बताऊं कर लो, तुम घर बात समझना चाहते हो चुपके से शादी कर लो। उस मनहूस की बातों में आया, शादीशुदा हूँ अब मैं भी, मुझसे भी पूछता है जब कोई मेरे जैसे सवाल कभी, मैं भी उससे ये कहता हूँ एक काम बताऊं कर लो, तुम घर बात समझना चाहते हो चुपके से शादी कर लो। बहुत अच्छी। बिना इस बात पे मुझे एक शेर कहने को जी चाह रहा। ओ तू बिल्ली क्या कर। लालन शेर कहन दे, मैं डा निका शहर कभी वेखिया नहीं। कहते हैं कि तू भी सुखन शनास था, दर्द आशना ना था। तू भी सुखन शनास था, दर्द आशना ना था, तूने भी शेर सुन के फकत वाह वाह ही की। लाला, ऑडियंस के साथ आज हम एक गेम भी खेलेंगे। वाह, कौन सी गेम है आज हमारे पास? वीना, म्यूजिकल चेयर के बारे में तो हम सब ने सुना है, आज हम लोग गेम खेलेंगे जिसमें म्यूजिकल फुटबॉल होगा हमारे पास। ये बॉल मैं पास करूंगी ऑडियंस में और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, और जैसे ही म्यूजिक रुकेगा ऑडियंस को हमारे लिए कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। वाओ, सो शैल वी स्टार्ट? यस, देयर गो द म्यूजिक। फुटबॉल तथा आपके हाथ में आया था। नाम क्या है आपका? दानियाल। क्या बात है, पढ़िया लिखा नेवला होता।
सराय की बेल्ट से हो? हेलो, क्या हाल है तेरा? ठीक ठीक क्यों है? राजनपुर ओ तो बकरे ले गए हैं संडे ले रहे हैं क्या नाम क्या आपका? काशिफ अली। इतने जवाब देने पड़े तेनु? कोई गल नहीं, जवाब भी थी देख इनसु। ओ सुल्तान! अच्छा, मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है तो उसका एक करवा लेते हैं। वो है जी, ऊंचे ऊंट की पूंछ नीची, नीचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ नीची, नीची नीचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ नीची, नीचे ऊंट की ऊंची पूंछी। बेटा अगर तेरे को भी ना आवे तो ऊंट बिठा ली थले। ये जो टंग ट्विस्टर आकाशा ने बताया ना, बोली जे नहीं होंदा तो बेटा लीला कर ले। सिंपल यार काशिफ, ऊंचे ऊंट की पूंछ नीची, नीचे ऊंट की। रंगीला साहब, रंगीला साहब जल्दी। नीचे ऊंचे इन्हू रहने दो, इन्हें ऊंट की ना फिटिंग पुट्ठी कर देनी है। नासिर भाई आप रहे हैं। ऊंचे ऊंट की पूंछ नीची, हां जल्दी जल्दी, नीचे ऊंट की पूंछ ऊपर। मस्तियों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हे विदास, वेलकम बैक टू मस्तियां। वैसे तो हम खज्जल खुआर हो ही रहे हैं, लेकिन अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ जाएं तो ये खुआरी जिल्लत में बदल जाती है। और कुछ गाड़ियां तो ऐसी होती है कि जिनसे उतरने के बाद भी काफ़ी देर तक बंदा खुद को मवेशी महसूस करता रहता है। वैसे ये जो ओवरलोडिंग है पूरे मुल्क का मसला है। क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा हैं, जेल में कैदी ज़्यादा हैं, घर में अफराद ज़्यादा हैं, अफराद पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ओवरलोडिंग का भयानक मंजर है ना, वो बसों में देखने को मिलता है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्टर और उनके साथ हैं एक सवारी। वेलकम टू मस्तियां। की हाल वीना जी, मैं बहुत मशहूर हूं तुम्हारा। किसी की सड़ते नजर पई है, कोई साडे गल्ला पूछना चाहेगा? नहीं, आप पे तो आए दिन हमारी नजर पड़ती रहती है। आप सुनते नहीं है खबरों में कि आपने किराए बढ़ा दिए हैं? आप बगैर फिटनेस के बस को सड़क पे क्यों लेके आते हैं? फिटनेस तो बगैर गड्डी अड्डे बाहर निकल ही नहीं सकती। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨੀ ਸਿਆਂਦਾ, ਕਲਿੰਡਰ ਵੀ ਨੀ ਸਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਸ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਕੀ ਬਸ ਕੌਣ ਸੇ ਰੂਟ ਪੇ ਚਲਤੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਸਜਾਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਰਟ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਿੱਚੂ ਧੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਗੁਆਚਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਆ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਆ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੁੱਟੋ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੁਆਨੀ ਦੇਈਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਜੋ ਥੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਥਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗ ਲਗਾਏਗੀ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾੜਦੀ। ਬੱਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਟੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਹੈਂ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੂਟ ਸੇਲ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ? ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਕਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ? ਕੈਸੇ ਵੇਚਦੇ? ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧ 'ਚ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸਕੋ ਵੇਚਣਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੀ, ਇਹ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਥਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੈਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ
20 साल में बाद ही छत पे सफर किया है। और देखो छत पे सफर कर करके अपनी छत काट ली, थल्ले नहीं आए। अच्छा वीना, एक इनकी बहुत बुरी बात है, ये अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो ड्राइविंग करते हैं, जिससे लोगों की जान जाती है, ये एक फैक्टर भी है। अच्छा भाई जी, गल दा एंड कोई पता नहीं लगता की होएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप होशो हवास में नहीं होते जब सफर करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, कुछ चंद लोग होंगे ऐसे। आप ऐसे नहीं? कभी भी किसी मालिक की यह ख्वाहिश नहीं होगी कि किसी नशेई दे सपुरद अपनी गड्डी कर दे, क्योंकि अक्सर ज्यादती होंगी। जो जंजा जुंजा लैके जाइए, बरातें लैके जाइए ने, उत्थे फिर हल्का फुल्का शादी की खुशी कई कर लेंगे ने, उस जबरदस्ती ड्राइवर भी हल्का फुल्का करा देंगे ने। बिना ये झूठ बोल रहे हैं, ये नशेइयां नूं गड्डियां देंगे ने। और तुहाडे बड़े बड़े अहम अहुदे ते नशेई बैठे ने, तुसीं उन्हां नूं मुल्क दी बागडोर देती है। अगर असीं इक अद्धे नशेई नूं बस देती ते साडे वारी चीखा मारना पिया। देख अपने परों में पानी नहीं पड़ने दे रहे। नशेई तो याद आया, एक बार मैं सफर कर रहा था बस च, नाल मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी सस बैठी। कितना को सफर कर लिया, हर जिंदगी का अहम वाक्य आपका बस में। दुनिया ने अगर कोई समझ सके तो ऐ शख्स कैसे, इन पता है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है। ये जो बंदा झोला पागे लारी डे आंदा है क्या भाजी, पुराने फिल्टर मिल जाएंगे। तुहानू पता है इदां दे कोल करदे की ने, जिथे थले समान नहीं रखीदा वह भी सीटा बना के बेचते हैं, तो बंद कर देंगे ने। अक्सर आपने तो बूढ़े भी रखे होते हैं। तो वो तो ऐसा करते ही करते हैं, सवारी क्यों अग्री करते हैं कि हम पे बैठे हैं? मजबूर है ना सवारी बेचारी, क्या करे, मजबूर है, क्योंकि ये कहते हैं आखिरी टाइम पीछे से चार घंटे बाद दूसरा टाइम आना है। वीना जी मैं दसना, मेरा साला मेनू मिलन आया बस दे विच ही, उन्हें पहले दरवाजा खड़काया बस का, इन्हें अपनी बीवी नु कहा वेख बाहर कौन है, उन्हें कहा बाहर कोई नहीं है, सज्जी साइड वेख के जान दे। उन्हें साले ने पूछा बाजी की पक्का है? नहीं साला ले चढ़े ही नहीं बस। और एक बार ये मियां बीवी लड़ पे ने बस में इन्होंने सुलह ही बासी हुई। अच्छा वो कैसे कराई आप लोगों ने? पहले मैं बस लेके तो सहुरे ने गया, उतो तो सहुरे ने बिठाया, कहा यार देखो तो बची लड़ पी है, इन्हें कहा जी मेरे ताए के पुत्र इस फैसले च बहन गए, वो रईमार खां रहते सर, बस लैके मैं रईमार खां गया, उतों के ताए के पुत्रा बच्च बिठाया, आखिरकार लिया के मुल्तान सारिया पार्टियां बिठा के सुलह आईए, फिर मैं टाइम लाहौर वालू पाया। इतनी एक्टिविटी एक बस में, पूरी बस ही इन्होंने रिजर्व। मैडम मैं एक बस पूरी इन्होंने ना लाती भी, जो भी तुम फैसला करना है बस खलोती, भाभी ने पिछले स्टोव रख रहे, पिछले किचन बना लिया। हूँ तो माशाला जिन्ने साल इन सफर करते हो गया, हूँ औखा भैड़ा टाइम हो, ड्राइवर छुट्टी कर देना तो भाभी भी ड्राइविंग कर लेना। ट्रांसपोर्टर ही बड़ा मुश्किल काम है जी, बड़ा अड्डे तो अड्डा चुकना पैंदा है, सवारी नू टाइम नाल ओदी मंजिल तक पहुंचाना। कहां टाइम पे, जहां 10 घंटे का सफर होता है उसको आप 25 घंटे में मुकम्मल करते हैं, जगह-जगह तो रुकते हैं। साडी गलती नहीं, किते अगर असि ब्रेक करने किसी होटल उते आके। अच्छा ये गेम भी है, अपनी मर्जी के होटल पे जाके खाना खिलवाते हैं और इतना बासी खाना होता है, उनसे इनके पैसे तय हुए भी होते हैं। और जब बंदा सर्दियों से ज्यादा पैसे दे के अगर भाई मैं टापे पे बैठ के जाऊंगा। अभी तो देखे कितनी लग्जरी बसेज आ गई और मैंने बड़ी तारीफें भी सुनी है, दे हैव सेट स्टैंडर्ड्स खाने के, ट्रैवल के। अच्छा ये जो मोटरवे पे बसें चलती हैं उनका स्टैंडर्ड, उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो बड़ी अच्छी और कमाल की होती है। और ये जीटी रोड पे क्या आप नाकिस बसें चलाते हैं? ये बसें जीटी रोड से जांदियां ने। हाँ जी। ये उन्हां दी हिम्मत है। कैसे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ? ਬਈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ 3 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੜੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਰਾਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਛਾਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਤੋਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ, ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਧਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। मुझे आज तक मोशन सिकनेस नहीं हुई। अच्छा वैसे एक दफ़ा ना मेरे साथ ये वाकया हुआ था तकरीबन 20 साल पहले, कि मैं सियालकोट से लाहौर आ रहा था, तो मैं हाईएस्ट में था, तब हाईएस्ट होती थी उस वक्त, तो मैंने ना ऐसे हाथ बाहर निकाला बड़ी, तो एकदम से ना लगा जैसे बड़ी ठंडी हवा आई है और बारिश शुरू हो गई, तो मैंने इसे देखा तो वो कहता पाए ना हाथ अंदर कर लो, पैना उल्टी कर रही है। और एक बार मेरी दादी मेरे साथ सफर कर रही थी बस में। हाँ जी, दादी की अचानक तबीयत खराब हुई है, उन्होंने डीजल चढ़िया। बस जी दादी ने डीजल चढ़िया है, तो छाल मार के बस तो थले आई है दादी, तो स्पीडो स्पीड निकल गई। असी मेरे ख्याल सा 140 की स्पीड से, दादी 180 की स्पीड से। दादी का फोन आया बस से कि पुत्र घंटा हो गया मैं मुस्लिम बस अड्डे बैठी है, तुम क्यों नहीं पहुंची? साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।